हेलो दोस्तों, स्वागत है सीबीका आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास होने वाली है, आपको जैसे पता होगा वर्कशॉप कार्बन साइंस की होने वाली है आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों, जैसा आप लोग दिख रहा है सेमेस्टर, ये दोस्तों ये सेमेस्टर मतलब ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही है, क्योंकि जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन बने हैं प्रीवर, वही जो है क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है। जो पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके वर्कशॉप कैलकुलस साइंस के, ठीक वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, आपका कोई भी सवाल हो मैथ से रिलेटेड, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसको जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों दे दूंगा, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, सरल कीजिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा 38xy-15xy, तो ये मुझे सोल्व करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और इसको सोल्व करना, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 38xy-15xy यानी कि 38xy-15xy, यही तो मुझे दिया गया है, ठीक। अब यही मुझे सोल्व करना है। अब देखिए मैं आपको सही तरह से दिखा देता हूँ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे दिया गया है, ठीक। अब इसको मुझे सोल्व करना है। अब क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले इसमें आपको दो चीज़ कॉमन दिख रही होगी। सबसे पहले आप देखिए इसमें इसमें भी एक्स वाई कॉमन है और इसमें भी एक्स वाई कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई मैंने बाहर ले लिया, कितना बचा मेरे पास 38 माइनस के 15, भाई ये दो वैल्यू मेरे पास अब रह चुके हैं, ठीक। अब सिंपल लाइन को सोल्व कर लीजिए। अब जब इसको घटाऊंगा 38 में 15 जाकर कितना बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 23xy। तो ये इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बताओ उसमें क्या है, ठीक। तो इसी टाइप के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा आप सोच रहे हो कि हार्ड लेवल आता है, बहुत ही हार्ड लेवल, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल आता है आपके आईटीआई एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब अगला जो सवाल है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि गुणा कीजिए 3d² - 2d, अभी आपको दिया गया है 3d, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर, आपको जैसे कि ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ए ऑप्शन है 9d³ - dA² और ये आप देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें जो हमारा राइट आंसर आता है वो था हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, 23xy, तो ये हमारा राइट आंसर था, ठीक। अब आपको सेकेंड नंबर जो है क्वेश्चन का आपको जवाब मुझे देना है। चलिए राइट आंसर बताइए, वीडियो पॉज करके आप राइट आंसर बता सकते हो, ठीक। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मुझे दिया क्या गया है, देखिए मुझे दिया गया है 3d² - 2d, ये तो मुझे दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों मुझे, 3d² - 2d, ठीक, और ये बाद में मुझे 3d दिया गया है, ठीक। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा देखिए, अब मेरे पास ये गुणा में दिया गया तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा 3d² तो गया, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये मल्टीप्लाई में कैसा हो जाएगा 3d, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये कितना हो जाएगा -2d और गुणा में 3d, ठीक। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब क्या काम करेंगे, अब जो जो एक साथ जो डी वाले हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, जो अलग हैं उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर वाले उनको अलग और जो वैसे हैं उनको अलग। तो देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर वाला सिर्फ यही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × 9 कितना हो जाएगा 9d³, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6d² ये आ चुका है मेरे पास। अब सिंपल है, अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए जो आपका राइट आंसर था, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि भाग कीजिए, आपको 8x^15 दी गई है, 8x^15 कितनी दी गई है आपको 15, और अपॉन में 8x^15 कितनी दी गई है 5, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए अब मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्या इसका राइट आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है। अब इसको हम सोल्व करके हैं और सोल्व करके देखते हैं इसको जो है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आता है, ठीक। अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया हो तो अच्छी बात है, अब मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, आपको ये 8 दिख रहा है, तो इस 8 से मैं इस 8 को डिलीट कर दूंगा,
ठीक, मैंने इस 8 से इस 8 को मैंने काट दिया। अब क्या मेरे पास बचा? मेरे पास क्या बचा? आठ की घात 15 ने एक्स की घात 15 और एक्स की घात 5, ये मेरे पास दो वैल्यू बच चुके हैं। ठीक, अब देखिए जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में चली जाएगी मेरे पास घात। तो एक्स की घात 15 ये हो जाएगी माइनस 5, और जब 15 में से 5 घटाऊंगा तो एक्स की घात कितनी बचेगी मेरे पास? 10। ठीक, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, क्लियर? ठीक, तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको है ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, आपको मल्टीप्लाई में जो बराबर में मान है आपको वो ज्ञात करना है। अब सिंपल है, अगर आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हो मैं आपको दिखा इस रहा टाइप हूँ से क्या दिया गया होगा। हो माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो क्या होता है? वो एक बार जुड़ जाता है और एक बार क्या हो जाता है? वो एक बार घट जाता है। लेकिन अगर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया हो तो क्या काम होगा? वो दो बार गिना जाता है। किसमें? दो बार गिना जाता है। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है? तो ये इस टाइप से होता है। अगर ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या होता है? ए प्लस बी वन मल्टीप्लाई ए प्लस बी। लेकिन अगर खोल दें स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर लग जाए और बी का भी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। तो ये पॉइंट में आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे अगला पास सवाल वाला है देख लीजिए, देखते हैं कि क्या कहता है। सरल कीजिए 2x+5 बराबर 23-x। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 2x+5 बराबर 23-x। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो x वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो बिना x का है उसको एक पार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए। अब ये x है मेरे पास, ये किस में? माइनस में, इधर जाकर किस में चले जाएगा? प्लस में। तो मेरे पास इस टाइप से बन जाएगा 2x+x, और ये माइनस का 5+ का, इधर आके कैसे बन जाएगा माइनस का 23-5। ठीक, अब ये दोनों जब इसको ऐड करूँगा कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 3x, और 23 में 5 जाकर कितने बचेंगे? 18। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 18/3, और 3 से कितनी बार में? 3 6 18, तो 6 मेरा जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों मेरे पास? 6 आ जाएगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका जो अगला सवाल है वो क्या कहता है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। आपको ये राइट तो क्या आंसर होता बताना है? है। त्रिभुज का परिमाप, अगर आपको दो तीन परिमाप दिए तो कैसे हो जाएगा? वो ए आपस में ऐड हो जाते हैं, प्लस बी प्लस सी, वो क्या हो जाए दोस्तों? आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक, जब भी आपको परिमाप दिए गए हों तो वो क्या काम होता है? वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि कौन कितने कितने दिए गए आपको वैल्यू? 20, 18 और 10 दी गई थी ना, तो बी की वैल्यू इधर 20 और यहाँ पर 18 मान लीजिए, और एक कितनी मान लीजिए आपको? 10 मान लीजिए। जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और ये 18 कितना हो जाएगा आपका? 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया 48 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 मीटर तथा 20 मीटर हैं। अब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ठीक, चलिए अब इसको सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। चलिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, वो क्या होता है आपका? लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। कितनी कितनी दी गई? 24 गुना में 20, तो कितनी हो जाएगी मेरे पास? ये 480 मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर, हाँ मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर में आपका जो है ये आ जाएगा। ठीक, ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो है आप देख लीजिए कौन सा होगा। ठीक, तो ये आपका 480 मीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल। आप लोगों के सामने है कि एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर डी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको सोल्व करके दोस्तों दिखाता हूँ। आपको क्या पूछ रहा है? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका?
क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है हाफ बेस इंटू क्या होता है हाइट, यानी कि आधार हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब आप कितना कितना दिया गया वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। आधार कितने दिया गया दोस्तों आपको, यहाँ पर आधार दिया गया है 20 और ऊंचाई कितनी गई है आपको यहाँ पर, कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ये दी गई होगी। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने जो भी आप लोगों को कट पट के आएगा, यहाँ पर कितना कट जाएगा 10 बार में और 10 अटे 80 ना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ये आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। ठीक तो दोस्तों आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी समय आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्लास से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर देना, उसका जवाब दोस्तों मैं आपको कमेंट में जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट हो, ठीक चलिए आज की क्लास को मैं ये समाप्त करता हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाओगे ना तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलने की। ठीक है अगर आपने अब तक नहीं दबा रखा है नोटिफिकेशन बेल जो सब्सक्राइब के बगल में होता है तो उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको सभी जो क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक तो चलिए आज के दोस्तों क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।